हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर स्नेहल दापके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटामीबा। एंटामीबा की एक स्पीशीज़ एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में आज हम लोग और जानकारी लेंगे। ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक पैथोजेनिक पैरासाइट है, लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड मेनी प्राइमेट्स। कहाँ पर रहेगा ये? इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड मेनी प्राइमेट्स। इसके वजह से होती है अमीबाइक डिसेंट्री और अमीबायासिस। ये डिसीज़ सीरियस डिसीज़ है, फ्रिक्वेंटली फेटल हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि कभी कभी ये पैरासाइट्स पोर्टल सर्कुलेशन में चले जाते हैं और वहाँ से लीवर एब्सेस, लंग एब्सेस एंड ब्रेन एब्सेस भी कॉज करते हैं। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में ये पाया जाता है, लेकिन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेट कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ सैनिटरी प्रैक्टिसेस अच्छी नहीं है, ये वहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। चिल्ड्रन और एडल्ट्स में ये अगेन ज़्यादा प्रिवेलेंट होता है। इसकी वजह से दुनिया भर में 40 मिलियन पीपल अफेक्टेड होते हैं एवरी ईयर। इसकी ही वजह से नियरली 40,000 to 1 lakh डेथ्स एवरी ईयर होती हैं। ये बहुत ही फेटल डिसीज़ है, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मॉर्फोलॉजी अगर हम लोग देखें तो इसका दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है ट्रोपोजोइट फॉर्म और मैग्ना फॉर्म, दूसरा होता है प्रीसिस्टिक फॉर्म और माइन्यूटा फॉर्म। इसके दो फॉर्म्स होते हैं। नाउ ये जो ट्रोपोजोइट फॉर्म है ये एक्टिव फॉर्म है, मोटाइल है, देन पैथोजेनिक फॉर्म है, पैथोजेनिक फॉर्म है। देन ये जो फॉर्म है ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, स्लो एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है, इसका कोई शेप नहीं होता, तो इसको बोलेंगे नो फिक्स शेप। अगर इसका डायमीटर देखा जाए तो वो नियरली 20 to 30 माइक्रॉन होता है, नियरली 20 to 30 माइक्रॉन होता है। अब ये जो स्टेज है, ट्रोफोसाइट स्टेज जो होती है, वो फीडिंग स्टेज है एंड ग्रोइंग स्टेज है, ग्रोइंग स्टेज। ट्रोपोजोइट फॉर्म और मैग्ना फॉर्म में ये जो रेड कलर के डॉट्स दिख रहे हैं, एक्चुअली ये होते हैं इनजेस्टेड आरबीसीज। इंजेस्टेड आरबीसीज। नाउ अबाउट प्रीसिस्टिक फॉर्म और माइन्यूटा फॉर्म, ये फॉर्म होता है इन्फेक्टिव फॉर्म, देन ये कैसे होता है? ओवल और राउंड। अगर इसका डायमीटर देखते हैं तो 7 to 10 माइक्रॉन इसका डायमीटर होता है। प्रीसिस्टिक फॉर्म इज एंडोप्लाज्म इज फ्री फ्रॉम इंजेस्टेड आरबीसीज एक्सेट्रा। ट्रोपोसॉइड फॉर्म जो होता है वो इन्वेसिव होता है और नॉन इन्वेसिव होता है। जब ये नॉन इन्वेसिव होता है तो ये असिम्प्टोमेटिक कॉलोनी बना के रहता है, और जब ये इन्वेसिव होता है तो डिसेंट्री कॉज करता है और ये एब्सेसेस कॉज करता है लीवर, लंग्स एंड ब्रेन में, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। चलिए अब हम लोग एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में और जानकारी लेते हैं। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोआन है। अब ये कहाँ रहता है? ये एंडोपैरासाइट है इन द अपर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पर रहेगा ये? अपर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज कोलोन ऑफ मैन। लार्ज इंटेस्टाइन का अपर पार्ट यानी कोलोन ऑफ मैन। इट इनहिबिट्स म्यूकस, ये याद रखना बहुत जरूरी है। इट इनहिबिट्स म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ये इनहिबिट करेगा म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अभी हम लोग इसको देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखते हैं लाइफ साइकिल। जैसे हम लोगों ने देखा था कि इसके दो फॉर्म्स होंगे, सिस्ट फॉर्म एंड ट्रोपोजोइट फॉर्म। सिस्ट फॉर्म अगर थ्रू इंजेशन ह्यूमन बींग के अंदर जाता है तो उसके बाद इंटेस्टाइन में इसका एक्स सिस्टेशन होता है। क्या होता है? एक्स सिस्टेशन एंड मेटासिस्टिक डेवलपमेंट होता है। यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट, बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट, ऐसा मेटासिस्टिक डेवलपमेंट होता है और उसके बाद बनेंगे ट्रोफोसाइट।
ट्रोफोजॉइट या तो वो इन्वेसिव होंगे या फिर नॉन इन्वेसिव होंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी देखते हैं कि ट्रोफोजॉइट का बाद में कोलोन में होता है एंसिस्टेशन। एंसिस्टेशन यानी सिस्ट फॉर्मेशन, ट्रोफोजॉइट से फिर से सिस्ट फॉर्म होगी, सो उसको बोलेंगे एंसिस्टेशन। दो वर्ड से यहाँ पे एंसिस्टेशन एंड एक्सिस्टेशन। एक्सिस्टेशन यानी ब्रेकडाउन ऑफ सिस्ट, एंसिस्टेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। सो एंसिस्टेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट, सिस्ट फॉर्म होगी और फिर सिस्ट का होगा एक्सक्रीशन इन द फीसिस। सिस्ट का होगा एक्सक्रीशन इन द फीसिस। अगेन ये सिस्ट इंडेशन होता है ह्यूमन बीन के अंदर, तो ये साइकिल ऐसे चालू रहेगी। अब यहाँ पे हमने देखा था RBCs, RBCs इन द ट्रोफोजॉइट, वो कहाँ से आते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। पहले देखेंगे कि ट्रोफोजॉइट दो फॉर्म्स होते हैं, अगेन नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव ये जनरली नॉन इन्वेसिव ही होते हैं, दैट इज़ 90% टाइम नॉन इन्वेसिव ट्रोफोजॉइट होंगे, लेकिन 10% जो बचे हैं वो होंगे इन्वेसिव। अब नॉन इन्वेसिव हम लोगों ने यहाँ पे बोला है कि ये कहाँ पे रहेंगे, म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे एक लार्ज इंटेस्टाइन का पिक्चर ड्रॉ किया है, ये एपिथेलियल सेल्स ऑफ कोलोन है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है। ट्रोफोजॉइट अगर नॉन इन्वेसिव है तो ये ऐसे कोलोन से बाहर निकल जाएंगे थ्रू फीसिस। ज़्यादा कुछ ये कॉज नहीं करेंगे, जो सीरियस चीज़ें होती हैं ये सिर्फ नोशिया, देन इरेगुलरिटीज इन बॉयल, या फिर ये कॉज करेंगे हेडेक, ऐसे सिम्टम्स ये कॉज करेंगे, लेकिन ये बहुत सीरियस नहीं होंगे। अगर ट्रोफोजॉइट इन्वेसिव हो जाते हैं तो क्या होता है उसको देखेंगे। अगर ट्रोफोजॉइट इन्वेसिव हो जाते हैं तो ट्रोफोजॉइट जिसको सूडोपोडिया है, और वो क्या करेंगे, ये ऐसे ब्रेक करेंगे वॉल, और ये कहाँ पे जाएंगे, ये म्यूकस एंड सब म्यूकस लेयर के अंदर जाएंगे, वहाँ पे ये क्रिएट करेंगे लेजेंस, ठीक है। उसकी वजह से होगा ब्लीडिंग यहाँ पे, इसलिए जो होगी अमीबैग डिसेंट्री, इसकी वजह से होगी अमीबैग डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री, इसकी वजह से ही होती है अमीबैग डिसेंट्री। अगर ये डिसीज यहाँ पे इसको रोका नहीं गया, इसकी ट्रीटमेंट नहीं मिली, तो ये आगे ये एपिथेलियल वॉल को भी इन्वेड करेंगे। एपिथेलियल वॉल से इन्वेड होगे, ये जाएंगे ब्लड वेसल्स में, स्पेशली पोर्टल सर्कुलेशन में, पोर्टल सर्कुलेशंस में ये जाएंगे, ये जाएंगे लीवर में, और वहाँ पे ये कॉज करेंगे एब्सेस, यहाँ पे ये कॉज करेंगे एब्सेस इन लीवर। लीवर से फिर जाएंगे ये लंग्स में, और लंग्स से ये जा सकते हैं ब्रेन में। सो ये इन्वेसिव जो होंगे वो एब्सेस कॉज करेंगे लीवर, लंग्स एंड ब्रेन में। यहाँ पर ये डिसीज़ बहुत ही फेटल हो जाता है, बहुत ही सीरियस हो जाता है इसके, ठीक है। तो ये एब्सेस इन लीवर, लंग्स एंड ब्रेन जब ये ट्रोफोजॉइट इन्वेसिव होंगे। नाउ तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो गया, फीकल ओरल रूट, कैसे हो गया, सिस्ट कंटेनिंग फूड एंड वाटर का इंजेक्शन करके फीकल ओरल रूट से ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन करेंगे। सिम्टम्स अगर ये आ गए, इंजेक्शन हो गया, तो सिम्टम्स दिखाएंगे, दैट इज स्टमक पेन, स्टमक क्रैम्पिंग, अमीबिक डिसेंट्री, ब्लड इन स्टूल, फीवर एक्सेट्रा। लेटर स्टेजेस में ये एब्सेस इन लीवर, एब्सेस इन लंग्स या एब्सेस इन ब्रेन भी दिखा सकते हैं। नाउ डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल से इसका डायग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत एंटीबायोटिक है, अमीबोसाइडल मेडिसिन प्रेजेंट है, उसमें से जो पॉपुलर है दैट इज मेट्रिनिडाजोल या टिनिडाजोल, इसको यूज़ किया जाता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग, अवॉइड रॉ फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एक्सेट्रा। सो अब रॉ फूड अवॉइड ही करने चाहिए। सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ फीकल मैटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोटेक्शन ऑफ फूड फ्रॉम फ्लाइज, कॉकरोचेस एक्सेट्रा बाय कवरिंग द फूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका को। सो दैट इज़ ऑल अबाउट एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।